बिना बात के कोई नहीं तारता है। अगर पड़ोस को काम होने अगर पड़ोसी ने सहायता दी है तो वही पड़ोसी आपका सहायता जरूर करेगा। अगर पड़ोसी की आपने सहायता नहीं करी तो वो भी महाराज कभी नहीं करेगा, वो भी अपनी सहायता कभी नहीं करेगा। और ये बात यही छोड़ देना, ये संसारिक है। जब यहाँ से जाओगे अंत समय में आपको हाथ पकड़ करके ले जाएगा प्रभु, हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा। क्योंकि कहा है क्या, गोरी नदिया नव पुराने मोस चढ़ो न जाए, गोरी नदिया नव पुराने मोस चढ़ो न जाए, गोरी नदिया नव पुराने मोस चढ़ो न जाए, गोरी नदिया नव पुराने मोस चढ़ो न जावे। ओ धर्मी धर्मी पार उतर गए, 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 पापी गोता खाए अब मोहे तारो रा सिंधु रघुराई के, अब मोहे तारो रा तारो रे कृपा सिंधु रघुराई, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसी प्रकार याद रखना महाराज, इसी प्रकार आप, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है ना महाराज, वो ग्यारहवें दिन महाराज ग्यारहवें दिन तक तो परमात्मा से नजर मिलाता रहता है, लेकिन जैसे ही ग्यारह दिन हुए महाराज वो दुनिया से नाता जोड़ लेता है और परमात्मा से नाता तोड़ देता है महाराज। भूल जाता है कि मैंने गर्भ में भगवान को क्या किया था महाराज, क्या वचन दिया था, क्या वादे किए थे महाराज, सब भूल जाता है वो और संसार से अपना नाता जोड़ लेता है, संसार से नाता जोड़ लेता है महाराज। और तूने मेरे लिए क्या किया, तू समझदार था महाराज, तेरे हृदय में भगवान भी विराजमान थे, लेकिन तूने सत्य कर्म नहीं किया महाराज। और अब बोल रहा है कि मुझे तार दो, किसे तार दो, लेकिन जिसने धर्म किया है, जिसने सत्संग सुना है, वही महाराज भव सागर से पार हो जाएगा। और जिसने महाराज अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया महाराज, ऐसे महाराज गहरी नदियां में महाराज चढ़ नहीं पाएगा और वही गोता खाएगा, वही गोता खाएगा महाराज। आगे जाकर के महाराज परीक्षित भी बोल रहे हैं महाराज, निश्चित तो है ना मेरी बात जरूर सुनेगा ना भगवान। कपिल मुनि बोल रहे हैं आप चिंता मत करो, चिंतन करो महाराज, क्योंकि चिंता करे सो चिंता बढ़े और चिंतन करे सो हरि मिले महाराज। अगर चिंता करोगे महाराज तो कुछ नहीं होने वाला, ये पांच दिन ऐसे ही चले जाएगा, दो दिन तो निकल गए हैं और पांच दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, इसमें ही आपको महाराज मोक्ष होना है, इसी में मोक्ष होना है आपका। परीक्षित हाथ जोड़कर क्या जाऊंगा और मैं भगवान का भजन करूंगा। आगे जाकर के राजा परीक्षित ने पूछा, योगीराज ये भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं और उन्होंने एक बार अपना किया था कि परीक्षित पिछले कल्प में अंत में जब ब्रह्मा को नींद आ गई थी महाराज, ब्रह्मा सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हो गई थी महाराज, उनको ध्यान नहीं रही महाराज, अपनी मस्ती में सो गए थे महाराज, इसने में नैमित्त हुई प्रलय हो गई महाराज। प्रलय काल आ जाने से ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी और उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने अपने योग बल से उसको चुरा लिया था महाराज।
उसको चुरा लिया था, उसको चुरा करके महाराज भगवान श्री हरि ने उनके यहाँ चेष्टा जान ली कि ये किसने चुराया है, ये किसका काम है, किसने चुराया वेद। और ब्रह्मा जी को क्यों नींद आई महाराज, सब जानते थे परमात्मा, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि ये तो कली काल है और कली काल में महाराज ये होना कोई बड़ी बात नहीं महाराज। वही चीज आज अपने धर्म में प्रति चल रही महाराज, वही प्रथा अपने कलयुग में भी चल रही महाराज, एक दूसरे की महाराज। इन्हें भगवान ने विवस्त मनु मना दिया और एक दिन यही राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे महाराज, अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे। वो तर्पण देते देते अपने पितरों को महाराज उस पानी की जल की अंजलि में एक मछली आ गई महाराज। मछली ने कहा कि मैं मुझे किसको अर्पण कर रहे हो, मुझे अर्पण मत करो, मुझे अर्पण करोगे तो मुझे जीव जंतु खा जाएगा महाराज। उन्होंने कहा कि मैं अर्पण नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में आई तो मेरे कमंडल में डाल दूंगा। उन ऋषियों ने अपने कमंडल में महाराज उस मछली को निकाल कर उसमें डाल दिया। कुछ दिन कमंडल में रही महाराज, बड़ी होने लगी, उसमें ना आने के कारण उन्होंने बड़े पात्र में रखा, बड़े पात्र में बड़ी हो गई महाराज। उन्होंने कहा अब कहाँ छोड़ू महाराज, अगर इसको समुद्र में फेंक दूंगा तो महाराज जीव जंतु इसको खा जाएगा महाराज। उसने अपने को अर्पण किया है, मैं क्या करूं? एक बड़े सरोवर में छोड़ा, बड़े सरोवर में से मछली कहने लगी मुझे इसमें मत छोड़ो, मुझे इसमें मगर वगैरह खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। उन्होंने कहा कि बता तू क्या करूं मैं, तू बड़ी होती जा रही है, मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं है जो मैं उसको सुरक्षित रख सकूं, आपको बता क्या करूं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ भी करो लेकिन मुझे इस तालाब में मत डालो। वो मछली रोती हुई महाराज देवर्षि को बोल रही है इसमें मत छोड़ो मुझे। वो बड़ी होती गई, बड़ी होती गई महाराज। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, अब तू बहुत बड़ी हो गई है, चल मैं तुझे समुद्र में छोड़ता हूँ। समुद्र में छोड़ दिया। उस समुद्र में डालते समय मृत्युंजय भगवान ने सत्यव्रत से कहा था कि वीर मुझे समुद्र में मत छोड़ो, वहां बड़े बड़े मगर मुझे खा जाएंगे। और मृत्युंजय भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत इसी मग्न में हो गए थे और उन्होंने कहा कि भगवान मृत्युंजय रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हो, और अवश्य ही आप साक्षात भगवान श्री हरि के दास, श्री भगवान के अंश हैं आप, बताइए आपका परिचय क्या है, बताइए। उन्होंने कहा कि मैं ये भी बताऊंगा, सुनना चाहता है ना तो ले सुन। अब राजा सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही भगवान का बताया हुआ दिन आ गया, वो समुद्र ने अपनी मर्यादा को छोड़कर अपने लगा लिया और नाव भी बताई आ गई। तब राजा धन्य आदि बीजों से सप्त ऋषियों के साथ लेकर के उस नौका पर चकरे और वहां जाकर के सप्त ऋषि ने कहा कि राजन तुम भगवान का ध्यान करो, मैं ही मैं इस संकट को पार लगा लूंगा महाराज। एक याद रखना महाराज, जब वो नाव में बैठ करके जा रहे थे ना तो उन्होंने कहा था डरना मत, सिर्फ आप भगवान का चिंतन करना। और अपने साथ भी ऐसा ही होता है, आपको हम बता दे कि आप भजन पूजन पाठ कर लो, आप नहीं करोगे। भगवान का नाम कब याद आता है आपको मालूम है? कब याद आता है? जब नदी पुर जाती हो या नाव में बैठ करके उस पार जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? हे भगवान ऐसा मत करना, इसको डुबा मत देना, पार लगा देना महाराज। वहां तो राम नाम ही आ गया क्योंकि वहां संकट था, तो आपको भगवान का नाम याद आ गया। संकट आया और आपको महाराज भगवान याद आ गए, लेकिन लागी लगन किसी से मत तोड़ना महाराज। एक बार लागी लगन लगा ली आपने तो परमात्मा आपका अवश्य ही अवश्य आपको प्राप्त करके अपने चरणों का दास बना देगा महाराज। और जब लागी लगन लगान लगाने के लिए महाराज गुरु होना बहुत जरूरी है जीवन में। जिसने गुरु बनाया है उसको सत्य मार्ग ले जाएगा महाराज गुरु, और उसकी अच्छी योनि प्राप्त कराएंगे और भगवान के धाम पहुंचाएंगे महाराज। अपन जब कोई केस लड़ते हैं तो डायरेक्ट जज से मिल सकते क्या? नहीं मिल सकते, आपको वकील करना बहुत जरूरी है। ये अपने को यहाँ से कहीं जाना हो तो किसी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, किसी ड्राइवर का सहारा जरूर लेना पड़ेगा महाराज। इसलिए गुरु जीवन में होना जरूरी महाराज।
और गुरु अच्छा होना चाहिए महाराज, ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि कहा क्या कहा है, पानी पियो छान के ने गुरु बनाओ जान के। ये ऐसे वैसे गुरु मत बनाना महाराज। और जब अच्छे गुरु बता दिए, जो सत्य मार्ग बताता वही गुरु है, जो सत्य मार्ग में चलाना सिखाता है वही गुरु है। और जब गुरु बना लो तो गुरु को मत पूजो महाराज, गुरु के दिए हुए नाम को पूजो महाराज। लेकिन आज प्रथा क्या हो रही है, जो गुरु अपने बना लिया उन्हीं की गुरु जी की तस्वीर रख ली और भगवान की तस्वीर को छोड़ दिया, महाराज ने उनकी आरती पूजा कर रहे हो। लेकिन शास्त्र कहता है आप गुरु को मत पूजो, गुरु की तस्वीर रखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुरु के दिए हुए नाम को उसको महाराज चार्ज कर लो, उसी के जप कर लो। अगर किसी को अच्छा गुरु नहीं मिले तो ठाकुर जी को गुरु बना लो, हनुमान जी को महाराज गुरु बना लो, लेकिन गुरु होना बहुत जरूरी है। ये लगन जब लगती है, जिसका गुरु बना हुआ है उसी की लगन लगती है, और जिसने गुरु नहीं ऐसे ही भटकता है। कहा ना किसी ने क्या कहा, लागी लगन माती तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना, 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 प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरे से क्या बोलोगे, मेरी जब लगन लगी थी तो आप हमारे घर आओगे ना, मेरे घर जरूर आओगे ना, लेकिन लगन टूटेगी तो परमात्मा भी आपके घर नहीं आएगा, और लगन लग गए तो ठाकुर जी आपके किसी भी रूप में आपके घर में आ जाएगा महाराज, क्योंकि अपन दास है उसके, वो सेठा में सेठ, सावरा सेठ है अपना, सरकार है वो, क्योंकि आपकी विनती जरूर सुनेगा। कहते ना दास की विनती अब सुन लीजो, ओ दास की विनती अब सुन लो, दास की विनती अब सुन लीजो, हाथ पकड़ मत छोड़ना प्रभु जी मोरी, लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। किसी के भरोसे मत छोड़ना कोई चीज, आप कहीं बाहर जाओ नहीं तो ये नहीं बोलना कि नाना ये घर संभाल जे के खेत देख जे, किसको बोलोगे, ठाकुर जी को कि मैं जा रही हूँ और मेरे घर का ध्यान रखना, मैं जहां तक आऊं आता मेरे खेत का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये खेत बुआई है तो सिर्फ तेरे नाम से बुआई है, मैंने किसी के नाम से नहीं बुआई है। कहनी खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, तुझी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगने मत तोड़ना। जय हो जय गुरुदेव।
अपन क्या करते कि बाजार से जब सामान लाते तो अपन क्या बोलते सेठ जी सामान दे दो, वो काई का सेठ, बाजार का काई का सेठ। सेठ बनाना तो उसी को, और सरकार बनाना हो तो उसी को, क्योंकि ये इस सेठ को बनाओगे तो ये ब्याज जोड़ करके आपसे लेगा। अगर संसार का सेठ बनाओगे तो ब्याज जोड़ कर रहेगा, और उसको सेठ बनाओगे महाराज तो ब्याज नहीं आपको तो सागर से पार लगा देगा। कहे ना क्या कहा, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सरकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सरकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सरकार है, पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागे लगन मत तोड़ना। सेठ बनाना है तो सांवरिया सेठ को बनाना, ये दुनिया का सेठ मत बनाना, नहीं तो ब्याज जोड़ करके लेगा महाराज जी, ये ब्याज जोड़ करके आपसे लेगा। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये प्रलय कालीन उस समुद्र में जब ब्रह्मा सो गए थे उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी महाराज, उनको पता नहीं चला। जब अपन सो जाते ना तो एक आधे मूर्ति के समान हो जाते महाराज, अपने को कोई सूझ नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अपने साथ, उनको पता नहीं चला।